हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज आपके लिए क्लोज टेस्ट लेकर आया हूँ। फिर से बड़ी डिमांड आ रही है आपकी, सर क्लोज टेस्ट डेली कराइए। देखिए, एमबी बुक में कुछ खास क्लोज टेस्ट है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि सीजल प्री के टेस्ट में क्लोज टेस्ट नहीं दिए, सीपीओ के सेट में इन्होंने क्लोज टेस्ट नहीं दिए। मोस्टली या तो मेन्स के सेट में मिल रहे हैं या फिर स्टनो के सेट में, और जितने थे मैंने आपको करा दिए। लेकिन फिलहाल ये मेरे सामने आया एक और क्लोज टेस्ट, इसको मैं आपको करा रहा हूँ सोल्व। बहुत प्यारा क्लोज टेस्ट है, बहुत सुंदर, देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, एसएससी स्टेनोग्राफर में लगभग 20 मार्क्स का क्लोज टेस्ट पोर्शन रहेगा, जो आपको सिलेक्शन दे भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हल्के मत लीजिएगा, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम रिपीट होंगे, सेम पेपर बनेगा, ध्यान रखना जो पिछला आया हुआ है। और अगर भगवान करे कि अगर क्लोज टेस्ट रिपीट हो गया पूरा का पूरा, तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत पछताओगे अगर आपने नहीं करा। मुझे याद है 2016 में सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे थे, यस 16 की बात है या फिर 17 की, मुझे अच्छे से याद है। एक मेंस का एग्ज़ाम आप देख सकते हैं एमबी के बुक में, प्रेडिसेट में डिट्टो आ गया था वापस, डिट्टो जो पहले हुआ, मतलब उसी सन में ही, ये भी नहीं कि बहुत पुराना उठा लिया, उसी सन में सेम एग्ज़ाम दोबारा उठा लिया। मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन, मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा व्हाट्सएप पर, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा एक दिन। दो सेट पेपर को सेम, जरा भी अंतर नहीं था, एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं था। बच्चों सोचो, जिन बच्चों ने सोल्व करा होगा बैठ के अपने कोचिंग में, उनकी क्या बल्ले बल्ले हुई होगी, क्या मजे आए होंगे उनके, आप लोग सोच नहीं सकते। अगर एक क्लोज टेस्ट रिपीट हो गया तो हल्का है या भारी, करना ही है, तोते की तरह रट्टे मार लेने, ध्यान रखो आप उसको। अगर पूरा रिपीट हो गया और उसके बाद भी आप 10 से 10 नंबर नहीं ला रहे, तो बहुत गंदी बात है। चलिए फिलहाल चलते हैं आपके क्लोज टेस्ट पे। क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट में भाई, वो कह रहा है कि नो इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कलर और क्रीड ही हैज बीन एबल टू स्केप कंप्लीटली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट। दिए गए सभी वर्ड्स को याद रखते रहा करें। पहले उसने कहा इरिस्पेक्टिव कलर क्रीड और इंस्टीट्यूशन, ये आपको आगे नंबर देंगे, ध्यान रखना। ऑफ कास्ट, इट्स लॉज, प्लूरल लगाया ना आपने, तो प्लूरल वर्ड ढूंढिए कहाँ है, वो सिर्फ और सिर्फ हैव में ही तो है। हैज सिंगुलर है, हैड आ नहीं सकता बिकॉज स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है, आगे दिख रहा होगा आपको, स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है, हैज आ रहा आगे भी, और ऑलवेज नहीं लगाएंगे बिकॉज यहाँ वर्ब की जरूरत है भाई। तो 166 का आंसर हो जाएगा, पहला ही करेक्ट। जब भी आपके एग्जाम में 2-10 नंबर वाला क्लोज टेस्ट आए, आप 2 क्वेश्चन फिट कर दिए बिल्कुल सही, 8 अगर गलत भी हो गए तब भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, घर पर रिस्क लेना है, एग्जाम में रिस्क लेना है। इसलिए घर पर जब भी क्लोज टेस्ट आए तो करिए जरूर, रिस्क लेना है भाई, रिस्क में ही तो बरक्कत है। इट्स लॉज हैव बीन ओबेड बाय ऑल विदाउट मर्मर कंप्लेंट और हेजिटेशन, इवन मैनी अ सबलाइम सोशल डैश, इवन मैनी के बाद उसने लगाया सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, जो कि मुझे अच्छा लगा। एक सेकंड बच्चों, इवन मैनी अ सबलाइम सोशल हैज बीन, तो आगे है इतना क्या आएगा, इवन अ मैनी सबलाइम सोशल 7 में आपका आंसर होना चाहिए प्रिंसिपल, बिकॉज इस वाले प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत से, किससे, सिद्धांत। प्रिंसिपल हैज बीन सेक्रीफाइज्ड एट द एल्टर ऑफ कास्ट टू गेट एडमिशन। एडमिशन के लिए हमेशा लगाते हैं गेट, क्या लगाते हैं, गेट, टू गेट एडमिशन, यानी कि इस लिहाज से 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इवन मैनी अ सबलाइम सोशल प्रिंसिपल हैज बीन सेक्रीफाइज्ड एट द एल्टर ऑफ कास्ट टू गेट एडमिशन टू द सोशल डैश, टू द सोशल कोड, टू द सोशल रैंक, टू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, टू द सोशल ऑर्डर, टू द सोशल ऑर्डर, यानी कि सामाजिक ढांचा। 69 में आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। ये आपके 4 बता दिए मैंने अब तक, और 4 के 4 आपके ठीक हैं। इन ऑल एजेस एंटी कास्ट मूवमेंट्स डैश लॉन्च्ड, बच्चों यहाँ पे फिर से आनी है प्लूरल वर्ब, क्या आनी है, प्लूरल वर्ब। इन ऑल एजेस एंटी कास्ट मूवमेंट डैश लॉन्च इज आपके सिंगुलर वर्ब है, वोज आपके सिंगुलर वर्ब है, हेड लगाने से थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, यहाँ पे वो वर्ड लगाइए,
क्योंकि सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। किस में जा रहा है? सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। क्योंकि कैसे पता चला? आपने कहा एंटी कास्ट मूवमेंट। एंटी कास्ट मूवमेंट मतलब एंटी कास्ट आंदोलन, यानी कि ये एक रिसीवर सब्जेक्ट है। क्या है आपका? ये रिसीवर सब्जेक्ट। एक होता है डूअर सब्जेक्ट। डूअर सब्जेक्ट मतलब जब कोई काम खुद कर रहे हो, रिसीवर मतलब जो कोई काम खुद ना हो रहा हो, ये एक रिसीवर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको पैसिव बनाना होता है सेंटेंस। इस सेंटेंस में 70 में आंसर हो जाएगा आपका वर करेक्ट। हेड लगाने से सेंटेंस एक्टिव बन जाता, हालांकि हेड भी आ सकता था। वर लॉन्च्ड बट दे वर, अब तो पक्का यहाँ पे वर आना है क्योंकि सेंटेंस में बट के बाद भी वर लगाया है। कई बार मैं चिक चिक के बता चुका हूँ कि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है सेम। अब तो आप श्योर हो जाइए कि हमने जो करा वो ठीक था। दे वर रेंडर्ड फ्यूटाइल यूजलेस इनफेक्टिव पावरफुल। दे वर रेंडर्ड इनफेक्टिव यानी कि अप्रभावकारी रहे वो सभी के सभी आंदोलन। ड्यू टू द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द डेप्थ ऑफ कास्ट ड्यू टू द, बच्चों अभी मैंने आपको कहा था कि स्टोरी को ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगर आप पहले ही पैरे में चले तो दूसरी लाइन में उसने कहा इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, याद है, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो यानी कि यहाँ पे आपके फ्री के नंबर हैं 72 में सी आंसर लगा दीजिए, आंख मिच के अंधों की तरह बिल्कुल। 72 का सी आंसर है इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट। इट रिमेंड एज डैश एज एवर, इट रिमेंड एज फर्म, फर्म बोलते हैं दृढ़ को, किसको बोलते हैं? दृढ़ को। इट रिमेंड एज फर्म एज एवर एज एन इंस्टीट्यूशन, अब तो पक्का है कि आपका 72 का सी सही है, इंस्टीट्यूशन थर्ड बार इस्तेमाल हो रहा है। एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल कंट्रोल इट हैज ऑलवेज बीन एंड, बच्चों यहाँ पे गौर कीजिएगा सेंटेंस में क्या करना चाह रहा है वो, इट हैज ऑलवेज बीन एंड, एंड के दोनों तरफ रहेगा सेंटेंस सेम। यहाँ पीछे बी की फैमिली आई है, आगे भी बी की फैमिली आई है आएगी, पीछे हेल्पिंग वर्ब आई है, आगे भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जरूरी कि हैज ही आए लेकिन प्रेजेंट की आएगी, ये कन्फर्म है। ऑप्शन दिया उसने गोइंग टू, ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आई ही नहीं है। अगर यहाँ पे इज एम आर में से कोई होता, हालांकि इससे काम चलता तो ये ठीक होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये गलत है। अगला है कंटिन्यू टू भी, यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, सिर्फ कंटिन्यू लगाया डायरेक्ट, ये भी बाहर है। अगले में है हेल्पिंग वर्ब विल कंटिन्यू टू भी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 74 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। इट हैज ऑलवेज बीन एंड विल कंटिन्यू टू बी अ हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस एंड नेशनल अवेकिंग, यानी कि समाज को जगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 का ए करेक्ट। फटाफट से सभी के आंसर देख लीजिए एक बार। 66 का था ए, 67 का था डी, 68 का था आपका बी, 69 का डी, 70 का डी, 71 का सी, 72 का सी, 73 का ए, 74 का ए सी, 75 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ए। ये थे आपके सभी के सभी आंसर। ए ए तीन बार आया है, डी डी दो बार आया है, तीन बार, बी एक बार आया है और सी सी तीन बार आया है। अगर आपने तुक्के भरने की कोशिश करी ए बी सी में से भी तो भी आप फ़ायदा कमा सकते थे, लेकिन तुक्का भेड़ना नहीं है बच्चों। आपको इतनी अच्छी तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो क्या अब भी आप तुक्का भेड़ेंगे क्या? तुक्का भेड़ने के लिए थोड़ा आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ बैठ कर, इतनी अच्छी तरह से आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। लगातार मेहनत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएँ एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए नहीं कि मतलब आप तुक्का भेड़ें एग्ज़ाम में जा करके। तो बच्चों ये था आपका एक क्लोर टेस्ट। कोशिश इच्छा थी कि मैं दो क्लोर टेस्ट कराऊँ लेकिन मैंने एक ही कराया क्लोर टेस्ट, जिससे कि आप इसको घोल करके पे जाएँ, फिर मैं आपको कराऊँगा नेक्स्ट क्लोर टेस्ट। ये था आपका SSC स्टेनोग्राफर 2014 से एक क्लोर टेस्ट। सेट पेपर मैं आपको पहले बता चुका था, अभी मैं भूल चुका हूँ। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस।